हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक वेल्डर ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या क्या चीजें पावर ट्रांसमिशन के लिए जरूरी होती हैं, किन किन मशीनों पर उनको काम करना होता है, उनके बारे में क्या क्या चीजें जाननी होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पावर ट्रांसमिशन होता क्या है। देखिए, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन जो है वो एनर्जी को जेनरेट करता है, मतलब ताकत को जेनरेट करता है, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक यूज करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए ले जाने की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसी को पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग मैकेनिकल जो छोटे मोटे मैकेनिकल काम है, लीकेज या फिर मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स का यूज करते हैं। नियर ऑल मशीन्स है ना, नियरली ऑल मशीन्स हैव अ सम काइंड ऑफ पावर मोशन ट्रांसमिशन और इनपुट सोर्स। देखिए, जितनी भी मशीनें हैं टोटल ए टू जेड, लगभग सब में कुछ ना कुछ पावर ट्रांसमिशन के द्वारा ही किया जाता है। उसके जो प्रोसेस होते हैं, मशीनिंग क्रियाएं होती हैं, वो मोशन ट्रांसमिशन या फिर पावर के ट्रांसमिशन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये देखिए, दो तरीके से इनको विभाजित किया गया है, हम लोग इसको जानेंगे। देखिए, पावर ट्रांसमिशन जो होता है उसके सिस्टम एंड टाइप्स। देखिए, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है वो ट्रांसमिट करता है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैकेनिकल एलिमेंट, जो यांत्रिक यंत्र हैं उनके द्वारा, एलिमेंट्स के द्वारा, तत्वों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है ये सिस्टम। ठीक है, इसके टाइप्स कितने हैं, किन किन तरीकों से हम इसके द्वारा हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो देखिए, वो बेल्ट ड्राइव है, मतलब किसी बेल्ट के द्वारा हम लोग ड्राइव एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। रोप के द्वारा, रस्सी के द्वारा ले जा सकते हैं। चेन के द्वारा, चैन के द्वारा हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। उसके बाद है गियर ड्राइव। तो ये चार तरीके के ड्राइव सिस्टम है जिनके द्वारा हम पावर ट्रांसमिट एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस सिस्टम को या इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर, इसके क्या घटक है। देखिए, घटक इसका ये है, इसके फैक्टर यही है कि देखिए इसमें क्या क्या चीजें डिपेंड करती है, हमारे काम के अनुसार डिपेंड करती है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को चलाने के लिए। पहला तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन ड्रिवन और ड्राइवन पुली शाफ्ट के बीच में। ठीक है, तो हमारा ड्रिवन शाफ्ट है, उसके उस शाफ्ट से जो हमारा ड्राइव पुली है या फिर ड्राइवन पुली है जो चल रहा है या फिर जो चला रहा है पुली, उन दोनों की दूरी जो है वो मायने रखती है इस सिस्टम को पूरा करने के लिए। फिर ऑपरेशनल स्पीड, हमें क्या आरपीएम चाहिए, किस स्पीड पे हमें पावर को ट्रांसमिट करना है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हमारा सिस्टम अच्छे से हो सकता है। पावर टू बी ट्रांसमिटेड, क्या हम जो क्रिया कर रहे हैं उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर जा रही है, वो स्पीड जा रही है कि नहीं जा रही, ये चीजें भी फैक्ट आ रहा है। इसका फैक्ट है, ये चीजें हमें देखना होगा, ध्यान देना होगा, ये निर्भर किस पे करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बेल्ट ड्राइव होता क्या है। देखिए, बेल्ट ड्राइव जो होता है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो ट्रांसमिशन एलिमेंट है वो ये है। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है पुली के द्वारा। ठीक है, पैरेलल शाफ्ट पे लगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द पैरेलल शाफ्ट। तो दो शाफ्ट लगे होते हैं पैरेलल, जो एक समान अक्ष पे दो शाफ्ट लगे हुए होते हैं, उनके द्वारा हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू पुलीज ओवर विच और एंडलेस बेल्ट है ना, फास्ट इंक्रीजिंग द बोथ। तो जो बेल्ट होता है हमारा, जो बेल्ट है उसमें एंडलेस है, उसमें कहीं पे भी खत्म तो है नहीं, वो पूरी तरह से गोल है। तो अगर हमारी पुली है, अगर हम पुली पे बेल्ट लगा के उसके द्वारा हम पावर ट्रांसमिट करें तो भी हमारा पावर ट्रांसमिट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, रोटरी मोशन में ट्रांसमिटेड ड्रिवन पुली टू ड्रिवन पुली। ठीक है, ड्राइविंग पुली जो है वो ड्रिवन पुली तक रोटरी मोशन में पावर को ट्रांसमिट करती है, किसके द्वारा, बेल्ट के द्वारा। तो बेल्ट के द्वारा हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो सॉफ्ट पैरेलल जो शाफ्ट लगा हुआ होता है उसके, और दूसरा पुली के द्वारा हम रोटरी मोशन में बेल्ट से हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद जानेंगे हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ बेल्ट ड्राइव, कि ये कैसे कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले जो ड्राइवर है हमारा, जो हमारे पावर को जनरेट कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, ठीक है, इसका काम क्या है, ये होता क्या है, ड्राइवर क्या होता है। देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम द वन विच ड्राइवर और सप्लाई पावर टू ईच मैकेनिकल एलिमेंट। तो ड्राइवर होता है वो जो पावर को सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, मैकेनिकल जो एलिमेंट लगे हुए होते हैं जैसे बेल्ट के थ्रू या चेन के थ्रू, ठीक है, किसी के भी सहायता से वो पावर को एक स्थान से दूसरे तक ट्रांसमिट करने के लिए जो पुली होता है या फिर जो मोटर होती है, ठीक है, या जो शाफ्ट होता है वो ड्राइवर कहलाता है। अब ड्रिवन किसको कहते हैं, जो जो वो पुली या फिर वो वस्तु जो पावर को
ग्रहण कर रही है, ग्रहण मतलब पावर को ले रही है एक स्थान से। जब पावर बेल्ट के द्वारा उसके पास आया तो उसके द्वारा बेल्ट के द्वारा क्या हुआ, अगर वो भी रोटरी मोशन में आया या फिर वो भी घूमा तो पावर ट्रांसमिट हुआ। तो जिसने पावर लिया है वो ड्रिवेन कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइट स्लाइड, जो टाइट साइड होता है नीचे की ओर, वो क्या होता है, जैसे हमारा जो बेल्ट जब घूमता है तो एक ऊपर होगा जो उसको जिसको स्लैक साइड बोलते हैं और जो नीचे का हिस्सा उसको टाइट स्लाइड बोलते हैं। जब हमारा बेल्ट चलता है, जब हमारा पावर ट्रांसमिट एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है तो उस जगह पे टाइट स्लाइड जो होता है वो मिनिमम टेंशन, उसमें कम से कम जो तनाव होता है उसमें मैक्सिमम जो टेंशन होता है, जो तनाव होता है वो एक न्यूटन का होता है, ठीक है। एक न्यूटन टन का जो उसमें तनाव है वो आ सकता है। जो स्लैक साइड है, जो ऊपर का हिस्सा है, उसमें जो तनाव होता है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 2 न्यूटन तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स के कुछ मायने हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ सूत्र हैं जिनके द्वारा हम ये न्यूटन निकाल सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग आगे बताएंगे या फिर आगे जानेंगे। उसके बाद ये दोनों साइड हम देखने के बाद उसके बाद क्या देखते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। जो दोनों हमारी पुली है उसका एक्सल जो एक्सिस है, जो मेन सेंटर एक्सिस है, वो कितने एंगल पे है, कितने एंगल पे दोनों एक दूसरे से मिल रही है, कनेक्ट हो रही है बेल्ट के द्वारा। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो दोनों का एंगल है वो बराबर है कि नहीं है, कहीं ऊपर और नीचे तो नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमारे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में थोड़ी बहुत फेलियर या फिर कमी आ सकती है, पूरी तरह से पावर को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो बेल्ट होते हैं, बेल्ट के द्वारा जो जनरली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, वो आखिर में बने किस चीज के होते हैं, ठीक है। जो मटेरियल होता है, कौन से मटेरियल यूज करके इसको हम बनाया जाता है। देखिए, जो बेल्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लेदर के, रबड़ के, और या फिर कैनवास या बलाटा बोलते हैं उसको, ठीक है। बलाटा का जो बेल्ट होता है, कैनवास का जो बेल्ट होता है, ये रेशम के धागों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े और रबड़ के मिक्सर के द्वारा, इनको एनिमल के जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, इन सारे चीजों के मिश्रण के द्वारा जो बना होता है, ये वाटर प्रूफ होता है, हीट प्रूफ होता है, ठीक है। और ये बेल्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ठीक। फिर उसके बाद कैनवास बेल्ट, कैनवास बेल्ट भी जो है वो एटमॉस्फेयर को देखते हुए बनाया जाता है, रबर और लेदर को मिक्स करके, ठीक है। रबर का जो बेल्ट होता है वो सिर्फ रबड़ का बनाया जाता है, जिसको बहुत ही डंप कंडीशन में, बहुत ज्यादा रेयर केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेदर बेल्ट, जो सबसे ज्यादा अधिकतर यूज होता है ड्राई या फिर वेट कंडीशन में, जो एनिमल मतलब गाय के चमड़ों या फिर किसी भी जानवर के चमड़े से जो बेल्ट बनाए जाते हैं, जिनका यूज हम लोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, वो ये 4 तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये 4 मटेरियल उसमें यूज होते हैं। फिर उसके बाद जो बेल्ट ड्राइव होते हैं, देखिए बेल्ट ड्राइव होता कैसे है, देखिए पहला तो देखिए ये, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन विद स्पीड कॉन पुली। देखिए इसमें जो पुली लगी हुई है, स्टेप पुली लगी हुई है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि स्टेप पुली होता क्या है और कैसा होता है। तो देखिए ड्रिल मशीन में ये किस तरीके से लगा हुआ, पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट ऑफ एंगल, जैसे हम लोगों ने टर्मोलॉजी में पढ़ा कि कॉन्टेक्ट ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, तो जो एंगल है वो भी डिपेंड करता है कि किस एंगल पे हमारा जो पावर ट्रांसमिट होगा वो अच्छी क्वांटिटी में हो सके, ठीक है। जिगसॉ जो बोलते हैं, जिगसॉ मशीन, उसमें इस तरीके से देखिए मोटर लगा हुआ था, मोटर नीचे होता है और जो हमारा ड्रिवेन पुली है जिसको हम मोटर के थ्रू चलाएंगे वो ऊपर की तरफ लगी होती है, जो इसका एक्सिस एंगल होता है वो अलग रेशियो में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेथ मशीन के अंदर में देखिए जो वर्टिकली यूज किया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे एंगल ऑफ है, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे क्या है, पैरेलल यूज किया गया नीचे से ऊपर की तरफ। लेथ मशीन में भी पुली के द्वारा, बेल्ट के द्वारा जो चलाया जाता है लेथ मशीनें, जैसे इंजन लेथ मशीनों में आप लोगों ने जाना होगा पिछली वीडियोस में, तो उसमें क्या था कि जो बेल्ट के द्वारा लेथ मशीन को जब चलाया जाता है तो वो इस तरीके से पैरेलल लगे, उसमें सॉरी वर्टिकली लगे हुए होते हैं लेथ के जो बेल्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं बेल्ट के ड्राइव। बेल्ट के द्वारा हम दो ड्राइव से हम लोग चला सकते हैं, बेल्ट को हम कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हम बेल्ट के द्वारा हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये 2 टाइप है बेल्ट ड्राइव के, ठीक है। तो पहला तो है ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, 2 पुलीज होती हैं, एक छोटी एक बड़ी, मतलब एक ड्राइव और एक ड्रिवेन, ठीक है। तो सेक साइड और टाइट साइड, ये 2 टाइप होते हैं, ऊपर और नीचे, बेल्ट का ऊपर हिस्सा और बेल्ट का निचला हिस्सा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही एक्सिस पे जब होते हैं, और इसका जो बेल्ट होता है वो ये सिर्फ एक साइड होता है, ठीक है, एक साइड जाना और एक साइड आना, ठीक है।
इसमें जो पुलीज होते हैं वो दोनों जब भी घूमते हैं, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में दोनों पुलियां घूमती हैं, ठीक। और दूसरा जो टाइप है वो है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट या फिर इसको ओपन या फिर क्लोज बेल्ट ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बेल्ट है हमारा, इसमें बेल्ट घुमा के लगाया हुआ होता है, घुमावदार होता है, ठीक है। एक दूसरे को, एक दूसरे का जो बेल्ट का एक्सिस है उसको काटता है। जिसमें होता क्या है, इसकी वजह से अंतर क्या आता है, इसकी वजह से अंतर ये आता है, इसमें जो पुली है, दोनों पुली एक दूसरे के अपोजिट साइड में घूमती है। जैसे ओपन बेल्ट में क्या था, जो दोनों पुलियां हैं वो अगर क्लॉक वाइज घूम रही है तो सिर्फ क्लॉक वाइज ही दोनों घूमेंगी, ठीक है, और एंटी क्लॉक घूम रही है तो दोनों एंटी क्लॉक ही घूमेंगी। लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या है कि जब हमारा ड्राइवर पुली अगर क्लॉक वाइज घूमेगा तो हमारा जो ड्रिवन पुली है वो एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, ठीक है। तो ये बेल्ट के टाइप्स थे कि बेल्ट किन तरीकों से हम लोग ड्राइव करा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग चला सकते हैं। फिर देखिए इसकी लिमिटेशन है, एक लिमिट है, ठीक है, एक अक्ष तक हम लोग एक लिमिट तक जा सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं जा सकते हैं। जैसे कि देखिए हायर वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, तो इसमें जो पावर लॉस का जो स्लीपेज होता है या फिर जो वेलोसिटी जो तनाव है उसका रेशियो अगर बहुत ज्यादा हम लोग कम कर देंगे या फिर बहुत ज्यादा कर देंगे तो उसमें स्लीप की समस्या आने लगेगी। स्लीप की समस्या जिससे क्या होगा, हमारा पावर लॉस होगा। उसमें दिक्कत क्या आती है, जब हमारा आर्क है, जो हमारा कॉन्टेक्ट एंगल है, ठीक है, कॉन्टेक्ट एंगल जब हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर हमने जो जो टाइट साइड है या फिर स्लैट साइड है उसको बहुत ज्यादा ढीला या फिर बहुत ज्यादा टाइट कर दिया तो स्लिपेज की समस्या आ जाती है बेल्ट ड्राइव में, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑन द बेल्ट द पुली, है ना, वो बेल्ट और पुली के थ्रू हमारा मैक्सिमम पावर हमको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, पूरा ताकत चला जाए, स्लिप ना करे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग जो पुली और उसका रेशियो है बेल्ट का, उसको हमको 3:1 का रखना चाहिए। जो दोनों पुलियां लगी हुई हैं, दोनों पुली जो स्टेप पुली लगाना चाहिए, फिर 3:1 का पुली अगर हम लगाएंगे, 3:1 का, 3:1 का, तो हमारा जो ड्रिवन और ड्राइवन पुली है ये दोनों बहुत अच्छा पावर ट्रांसमिट करेगा। मैक्सिमम मतलब जो सबसे ज्यादा पावर तक हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो हमारा ड्राइवर पुली है वो कितना होना चाहिए, 3, और जो ड्रिवन है वो 1 होना चाहिए। तो जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को ट्रांसफर अधिक से अधिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए तीसरा है टू अवॉइड एक्सेसिव सिंगल स्टेप रेशियो, ठीक है, और अंडर साइज पुली। जो जो अंडर साइज, जो बहुत छोटे साइज के पुलियां होती हैं, अगर हमको जब पावर को ट्रांसमिट बड़ी मात्रा में कर रहा है तो बहुत जो छोटे साइज की पुली होती है अगर वहां हम ये लगा देंगे तो हमको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा पावर लॉस होगा, लिमिट हमारी जो जो हमें क्वांटिटी चाहिए पावर की, है ना, वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए ये 3 स्टेप बताए हुए हैं, या फिर हम 2 स्टेप ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर काउंटर शाफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कंपाउंड ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को हम लोग जानेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा पुली अगर हमारा छोटा और बड़ा साइज का होगा तो हमारा जो दोनों बेल्ट के दोनों पार्ट के बीच की जो दूरी है वो बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हमें पावर अच्छे से मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या होता है। देखिए कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या होता है, इसमें 3 पुलियां लगाई होती हैं। पहले पुली जो हमारा पहला ड्राइवर है वो हमारा एक छोटे पुली में जाएगा, ठीक है, ड्रिवन पुली में। फिर उसी का एक फॉलोवर पुली होगा जो दूसरा, वो तीसरे को चलाएगा एक शाफ्ट के थ्रू। देखिए इसमें 3 शाफ्ट है, एक शाफ्ट ये रहा, एक शाफ्ट ये और एक शाफ्ट ये, ठीक है। तो पहला शाफ्ट हमारा क्या हो गया, ड्राइवर हो गया, ये हमारा मेन पावर जनरेट कर रहा। फिर वो क्या कर रहा है, हमारा पावर दूसरे पुली को भेज रहा है जो कि बीच वाले शाफ्ट में। यहाँ पे देखिए 2 पुलियां लगी हुई है, एक बड़ी और एक छोटी। तो जो छोटी पुली है ये रिसीव कर रही है पावर को और ट्रांसफर किसको कर रही है, बड़ी वाली पुली को। अब बड़ी वाली पुली क्या कर रही है, फिर से उसको आगे की तरफ भेज दे रही है उस पावर को, है ना। इसी को, इसी जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, इस तरीके से पावर को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। इसको पावर, इससे पावर इंक्रीज होती है, जो हमारा ताकत है मशीन की वो रोटेशन मोड बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है। तो इसको हम लोग कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहते हैं, बेल्ट के द्वारा ही ये पूरा सिस्टम चलाया जाता है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव और जो क्लोज बेल्ट ड्राइव था, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अंतर दोनों में क्या है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए अरेंजमेंट देख लें, अरेंजमेंट आप लोगों ने पिछले भी वीडियोस में, पिछले स्लाइड में देख लिया कि अरेंजमेंट कैसे होता है। एक में होता है जो अरेंजमेंट है वो पुली दोनों एक ही दिशा में घूमती है, और दूसरे में क्या है, क्लोज बेल्ट में
एक दूसरे के अपोजिट दिशा में पुली घूमती है। फिर उसके बाद रोटेशन ऑफ पुली देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। फिर उसके बाद लिखा हुआ यूजिंग, है ना, यूजफुल अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट। देखिए जो इसका यूजिंग करने का, जो यूज करने का, इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, जो ओपन बेल्ट ड्राइव है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइंड, जो शाफ्ट का साइज है, एलिमेंट है ना, अलाइनमेंट जो हम मिलाएंगे वो हॉरिजॉन्टल या तो एक समान रखेंगे या फिर हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लोज बेल्ट ड्राइव है इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, हल्का सा ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं वर्टिकल भी, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हल्का सा एंगल में भी हम लोग ऊपर और नीचे की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रबिंग। रबिंग क्या है, तो देखिए ओपन बेल्ट जो ड्राइव सिस्टम है इसमें नो रबिंग पॉइंट, इसमें कहीं पे भी बेल्ट जो होते हैं वो आपस में लड़ते नहीं है, रब नहीं करते, आपस में एक दूसरे से सटते नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लोज बेल्ट ड्राइव जो है, क्लोज बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, बेल्ट जो है वो आपस में लड़ते हैं कभी कभी, और वो बेल्ट रिड्यूस होता है, वहां पे खराब होता है, वहां पे कट जाता है, ठीक है, जिससे जो बेल्ट की लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद है लेंथ ऑफ बेल्ट, है ना, सेम सेंटर डिस्टेंस, पुली डायमीटर, जो पुली का डायमीटर है, डायमेंशन है वो सेम रहेगा, ठीक है, जो सेंटर का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। तो जो लेंथ ऑफ बेल्ट जो है, तो उसमें ओपन बेल्ट में देखिए क्या है, लेस लेंथ, है ना, इसमें हम जो लेंथ है इसको हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा क्लोज बेल्ट ड्राइव अगर हमको उसी को बनाना है तो इसमें क्या करना होगा, हमको लेंथ को, जो बेल्ट का लेंथ है उसको और बढ़ाना होगा, जबकि कम नहीं और बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट देख लीजिए, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इसमें हम लोग डिफरेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम सेम यूज कर सकते हैं, इसमें एंगल जो है हमारा वो सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि पुली के बारे में। देखिए पुली हर जगह पे बेल्ट के द्वारा जब भी हम कोई चीज पावर ट्रांसमिट करते हैं तो सिर्फ पुली ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम बेल्ट के द्वारा अच्छी तरीके से पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मेंटेन भी कर सकते हैं, आरपीएम को बढ़ा सकते हैं, पावर ट्रांसमिशन का जो पावर है उसको हम लोग इंक्रीज और डिस्क्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पुली भी कई तरीके की होती है। पुली का मेन देखिए काम क्या है, पावर ट्रांसमिट करना, एक जो एक शाफ्ट में लगी हुई होती है, पुली के बीच में एक होल होता है जो शाफ्ट में लगाई जाती है, ये एक जो है ये रनिंग जो पावर को रोटेशन मोड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करती है। जैसे कि टाइप ऑफ पुली में कई सारे टाइप होते हैं, स्टेप पुली, है ना, स्टेप कॉन पुली, जो स्पीड कॉन पुली बोलते हैं इसको, फास्ट एंड लूज पुली, गाइड पुली, है ना, जॉकी पुली, ग्रुप पुली, या फिर रफ आयरन जो पुली होती, ये चार या पांच छह तरीके के जो पुली है ये जनरली अधिकतर जगहों पे इन्हीं का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए देखने में कैसे लगते हैं ये सारे पुली, ठीक है। जो देखिए फास्ट एंड लूज पुली जो होता है सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे भी जैसे जो बच्चे गांव से हैं या फिर वो लोगों ने देखा होगा, शहर के ही बच्चों ने अधिकतर देखा होगा, जहां पे आटा चक्की होती है, आटा चक्की जब भी हम देखते हैं तो आटा चक्की को क्या करना पड़ता है, कभी कभी चालू और कभी बंद करना पड़ता है। तो उस समय में हम जो हमारा ड्राइवर है, जो हमारा जो मेन जहां से हम पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जनरेटर के थ्रू हो रहा हो चाहे वो मोटर के थ्रू हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हमें बार बार बंद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, लूज एंड हॉट, लूज एंड फास्ट पुली का यूज करते हैं। लूज पुली पे जब हमको कब डालना हो, जब हमें अपना मोटर ना बंद करते हुए, मोटर हम बंद नहीं करेंगे लेकिन हमें अपनी मशीन बंद करनी है, तो हम क्या करेंगे, बेल्ट को लूज पुली पे खिसका देंगे। लूज पुली और जो फास्ट पुली होती है ये दोनों पुलियां एक ही शाफ्ट पे लगी हुई होती है, लेकिन जो लूज पुली होती है वो शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं होती है, वो घूमेगी उसी शाफ्ट के एक्सिस पे, वो रोटेट करेगी लेकिन शाफ्ट को नहीं घुमाएगी। और फास्ट पुली क्या है, वो शाफ्ट के अंदर में फिक्स रहती है, जो कि खुद भी घूमती है और शाफ्ट को भी घुमाती है। तो जब भी हमें आटा चक्की को रोकना होता है और मोटर हमारा चलता रहे या इंजन हमारा चलता रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट को खसका के लूज पुली पे कर देते हैं और हम अपना काम करते हैं, ठीक। उसके बाद है स्पीड स्टेप पुली या फिर स्टेप पुली, इसको बोलते हैं स्टेप पुली। इसका यूज अधिकतर ड्रिल मशीन या फिर ऐसी जगहों पे किया जाता है जहां पे हमारा जो ड्राइवर और ड्रिवेन है उसमें हमें पावर घटाने और बढ़ाने की कैपेसिटी, मतलब कि चाहिए, वो गुण चाहिए कि हम उसमें पावर घटा भी सके और बढ़ा भी सके। इससे किसके स्टेप पुली के द्वारा क्या होता है कि हम
अगर ड्राइवर के स्टेप वन में लगाएंगे तो ड्रीवेन के स्टेप फोर में लगाएंगे, इससे क्या होगा हमारा जो ड्रीवेन है जो हमें चाहिए जो एक्चुअल में हमारा जो मान चाहिए वो हमें कम मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से इसके द्वारा हम लोग स्पीड कौन स्पीड हम स्पीड को मेंटेन करने के लिए स्टेप पुली का यूज करते हैं। उसके बाद होता है जॉकी पुली। जॉकी पुली क्या होता है, ड्राइवर और ड्रीवेन के बीच में लगा हुआ होता है। ठीक है, जॉकी पुली का काम क्या होता है, सहारा देना बेल्ट की जो टाइटनेस है। ठीक है, जो बेल्ट हमें टाइट जहां पे करना होता है, जैसे कि कार हो गया या फिर किसी भी ट्रक के इंजन में जहां पे भी पुली लगे हुए होते हैं वहां पे गाइड पुली या फिर जॉकी पुली ही लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये दोनों का काम क्या है इस पुली का, ये बेल्ट को मूव कराता है, बेल्ट को बेल्ट में जो टेंशन होता है टेंशन को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह से गाइड पुली का भी काम है, अधिकतर जो इंजन लगे हुए होते हैं इंजन में गाइड पुली का ही यूज किया जाता है, जिसके द्वारा जो बेल्ट लगे हुए होते हैं उसमें रबर बेल्ट उनको ये गाइड करता है, एक स्थान से खिसकने नहीं देता है इधर या उधर और एक टेंशन भी बरकरार रखता है। उसके बाद आता है ग्रुप पुली। ग्रुप पुली में जो भी बेल्ट होते हैं, रबर के बेल्ट भी कई तरीके के होते हैं, तो एक भी बेल्ट होता है जो कि ग्रुप के अंदर चलने पे उसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, वो ग्रिपिंग बहुत अच्छा करने के लिए ग्रुप बेल्ट, और ये स्लिप भी नहीं करता है इसलिए ग्रुप पुली का इस्तेमाल किया जाता है। रफ आयरन पुली, देखिए जो लूज एंड फास्ट पुली है उसमें रफ आयरन पुली का भी यूज किया जाता है, जो साधारणता बड़े साइज की जो पुली होती है। ठीक है, जिसमें हम रबर के द्वारा या फिर बेल्ट के द्वारा हम उस पर ड्राइव करते हैं। ठीक, तो वो रफ आयरन की पुली बनाई जाती है, इसको ढाल के बनाया जाता है कास्ट आयरन के थ्रू के। ठीक है, तो ये कुछ पुली के प्रकार थे। तो पावर ट्रांसमिशन का चैप्टर आज यही खत्म होता है, आज से आपका फीटर का जो ट्रेड है ये भी आज से समाप्त होता है। तो आगे हम लोग मिलेंगे नई वीडियोस के साथ। थैंक यू।